हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो मैं आप सभी को सादर नमस्कार करती हूँ। तो लड्डू गोपाल की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं लड्डू गोपाल के लिए आपको तुलसी की माला बनाना बताऊंगी। काफ़ी लोगों की तुलसी सूख चुकी होंगी सर्दियों में, काफ़ी लोगों की हरी भरी होंगी। तो जो तुलसी सूख चुकी है, आप उन्हीं में से सूखी लकड़ियों को तोड़ के रख लीजिएगा, उनको वेस्ट ना करिएगा, ना फेंकिएगा। तो मैंने आपको उसी तरीके से बताई है। लड्डू गोपाल के लिए तुलसी की माला अवेलेबल नहीं हो पाती है, इतनी छोटी साइज़ की माला नहीं मिल पाती है। तो कभी कभी आप लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं और तुलसी पात्र नहीं होता है, संडे को हम तुलसी नहीं तोड़ते हैं, तो आप अगर अपने लड्डू गोपाल को तुलसी की माला पहनाकर रखेंगे तो आप उसको स्पर्श करके लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। तो वही मैंने आज तुलसी की माला बनाना बताया है। और आपको मैं साथ ही बताऊँगी कि आपको कितनी मोटी लकड़ी लेनी है और कितनी मोटी नहीं लेनी है, और आपको सूखी ही लकड़ी लेनी है तुलसी की। तो चलिए हम बहुत ही सुंदर सी माला लड्डू गोपाल के लिए या फिर अपने लिए बना करके तैयार करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम। तो भक्तों, मैंने तुलसी की लकड़ियां ले ली हैं, ये सूखी हुई लकड़ियां हैं। लड्डू गोपाल के लिए तुलसी की माला हम तैयार करेंगे। इनको पहले अच्छे से साफ कर लेंगे। ये जो मैंने चाकू लिया है वो दांते वाला है, तो उससे अच्छे से क्लीन एकदम हो जाएगी, लकड़ी चिकनी हो जाएगी, जिससे हमारे लड्डू गोपाल को कहीं से भी कोई डंडी चुभे ना इस तुलसी की। तो इस तरीके से मैं पहले इसको साफ़ कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी, उसके बाद मैं इनको सीजर की हेल्प से इनको कट कर लूँगी। सीजर की सहायता से इसको कट कर लेंगे। देखिए, मैंने ये लकड़ियाँ साफ़ कर ली हैं, और ये जो बुरादा सा जो निकला है, इसको हम किसी भी प्लांट में, किसी भी गमले में हम डाल देंगे। इस तरीके से मैंने सारी लकड़ियों को कट कर लिया है। उसके बाद एक सुई ले लेंगे, बारीक सुई लेनी है हमें, जिससे ये उसमें हम धागा डाल करके और सारे मोतियों को प्रो लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल के लिए तुलसी की माला बना करके तैयार कर सकते हैं। आप चाहो तो अपने लिए भी इसी तरीके से तुलसी की माला तैयार कर सकते हैं। मैंने सारे मोतियों को इस तरीके से कट कर लिया है, और मैंने देखिए ये सुई ले ली है, इसमें धागा डाल लिया है, और इस तरीके से इनको मैं इसमें पिरो लूँगी। सारे मोतियों को इस तरीके से मैं पिरो लूँगी। अगर आप ज़्यादा मोटी लकड़ी लेंगे तो वो अंदर से ठोस होगी, उसमें सुई नहीं जाएगी। तो कोशिश करिएगा आप पतली लकड़ी लें, जिससे आपकी तुलसी की माला आसानी से बन सके लड्डू गोपाल के लिए। तो चलिए आप वीडियो एंजॉय कीजिएगा। मैं तुलसी की माला बना करके लड्डू गोपाल के लिए तैयार करती हूँ। तो आप देखिएगा, हमारे लड्डू गोपाल के लिए तुलसी की माला बना करके तैयार हो चुकी हैं। हम अपने लड्डू गोपाल को अब धारण कराते हैं। तुलसी की माला बहुत ही अच्छी बनी है हमारे लड्डू गोपाल के लिए तुलसी की माला। हम स्नान कराते समय भी इसको नहीं उतारेंगे, ना ही इनको शयन कराते समय, इनको हमेशा इसको पहना के रखेंगे। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।